क्लास, हाउ आर यू? दिवाली आप लोगों ने मना ली अच्छे से? चलो अब लाइन पे आ जाते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर तक हमारा हो चुका है ईवीएस का सिलेबस, है ना। अब हम चैप्टर नंबर 9 को स्किप कर रहे हैं, उसको हम पीरियड 2 में लेंगे। हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। ओके, इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सोर्सेज ऑफ फूड, कि आपको फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आपको फूड मिलता है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बॉक्स पढ़ते हैं। माई फादर केम बैक होम एट वेरी टायर्ड फ्रॉम वर्क वन डे, मतलब एक दिन मेरे पापा काम से बहुत थके हुए वापस आए। मम्मी मेड टी एंड आस्क्ड मी टू गेट सम बिस्किट्स फॉर हिम, मम्मी ने कहा, मम्मी ने चाय बनाई और मेरे को कहा कि जाकर के थोड़े से बिस्किट लेकर के आओ पापा के लिए। I asked her how biscuits would help him to get rid of his tiredness. तो मैंने पूछा कि बिस्किट्स कैसे उनकी थकान को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। She told me that food gives us energy and is needed for our body to work. तो उन्होंने मुझे बताया कि फूड हमें एनर्जी देता है और ये हमारी लिए काम करने के लिए, बॉडी को काम करने के लिए जरूरी है। आगे, our body works continuously from morning till night. Food gives us energy and helps us to work throughout the day. We all depend on both plants and animals for food. यानी कि हमारी बॉडी पूरे दिन से लेकर रात तक काम करती रहती है। फूड हमें एनर्जी देता है इस काम को करने के लिए और हम एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए, ठीक है ना। अब है फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमको प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं, ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड, हम प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को फूड की तरह यूज करते हैं। जैसे देखो बुक में देखो, रूट्स है ना, ये अपना कैरेट है, रेडिश है, इनकी रूट्स हम यूज करते हैं। लीव्स स्पिनच की, कैबेज की हम लीव्स यूज करते हैं। सीड्स हो गए, जैसे कि आपका बाजरा हो गया, मेज हो गया, है ना। स्टेम्स यूज करते हैं हम शुगर का, पोटैटो का, फ्रूट सेजनो और फ्लावर्स। अब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव विटामिंस एंड मिनरल्स इन देम, है ना, दे आर प्रोटेक्टिव फूड एंड हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोटेक्टिव फूड हैं, इनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिंस होते हैं, ये हमारी बॉडी को डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ, while some need to be cooked before we eat them. कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम कच्चा ही खाते हैं, विदाउट कुकिंग खाते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स को पकाना जरूरी होता है ना। अब ये जो ओरली आंसर्स देने ना, ये आप खुद से कर सकते हो, डू योरसेल्फ। आगे देखो, cereals like wheat and rice are rich in starch. ये स्टार्च में रिच होते हैं, जैसे कि वीट है, राइस है, दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। दे गिव अस एनर्जी टू डू आवर डेली कोर्स, ये हमारे डेली कोर्स को करने में हेल्प करते हैं। पल्सेस लाइक मूंग, उड़द एंड चना आर रिच इन प्रोटीन, और जो दालें होती हैं जैसे कि मूंग है, चना है, ये प्रोटीन रिच फूड होते हैं, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं और ये मसल्स बिल्डिंग का काम करते हैं, इनको बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। अब वी गेट वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, कोकोनट, दे आर रिच इन फैट्स, ये फैट्स में रिच होते हैं एंड प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्मथ टू अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और
वार्म प्रोवाइड करते हैं, हीट हमारी बॉडी को हीट गर्म रखते हैं, है ना। स्पाइसेस आर पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स दैट एड फ्लेवर एरोमा एंड कलर टू फूड, है ना। तो स्पाइसेस जो होते हैं ये हमारे फूड को फ्लेवर देते हैं और एरोमा देते हैं, खुशबू देते हैं और स्वाद देते हैं और क्या करते हैं कलर भी देते हैं। पेपर यानी काली मिर्च, क्लोव यानी लौंग, है ना, एंड टर्मरिक यानी कि हल्दी आर एग्जांपल ऑफ सम स्पाइसेस। स्पाइसेस यानी कि मसाले। अब है वी गेट शुगर फ्रॉम स्टेम ऑफ शुगर केन। शुगर हमको शुगर केन के प्लांट स्टेम से मिलती है। वी गेट टी फ्रॉम टी प्लांट, लीव्स ऑफ टी प्लांट, है ना। वी गेट कॉफी फ्रॉम बीन्स ऑफ द कॉफी प्लांट, और कॉफी हमको कॉफी प्लांट के बीन्स से यानी बीजों से मिलती है। लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, यूकेलिप्टस एंड मिंट हैव मेडिसिनल वैल्यू। और जो लीव है जैसे कि तुलसी है, नीम है, यूकेलिप्टस है, मिंट है, इनकी मेडिसिनल वैल्यू है यानी कि दवाइयाँ इनसे बनाई जाती हैं। वी यूज दैम टू क्योर डिफरेंट एलिमेंट्स। हम तरह तरह की जो बीमारियाँ होती हैं उनको सही करने के लिए इन पत्तियों का यूज करते हैं। अब है फूड फ्रॉम एनिमल्स, है ना। एनिमल्स से हमको कौन कौन से मिलते हैं, देखो जो मिल्क मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट, एग, हनी एंड मीट। अब देखो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, आपको पता ही है मिल्क किससे मिलता है, काउ है, गोट है, बफेलो है, है ना, इससे हमें मिल्क मिलता है। पीपल ड्रिंक कैमल्स मिल्क इन डेजर्ट, और डेजर्ट में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर कैमल का मिल्क यूज किया जाता है। एंड याक्स मिल्क इन कोल्ड एंड हिली प्लेसेस, और जो हिल्स रीजन है, हिली रीजन है, वहाँ पर याक का मिल्क यूज किया जाता है। सम मिल्क प्रोडक्ट्स वी यूज आर चीज, कर्ड एंड बटर। अब है एग, हेंस एंड डक्स गिव अस एग्स, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। हनी, हनी हमें कहाँ से मिलता है, हनी बी से मिलता है। इट इज यूज एज अ स्वीटनर, इसको स्वीटनर की तरह यूज किया जाता है यानी मीठा बनाने के लिए किसी चीज को। एंड इवन एज एन एंटीसेप्टिक, और ये एंटीसेप्टिक भी है। इट इज ऑल्सो सूथ्स अ सोर थ्रोट, और अगर आपके गले में कोई प्रॉब्लम है ना, गले में खराश है या कोई दिक्कत है तो हनी से ठीक हो सकती है। अब मीट, द फ्लैश ऑफ एनिमल्स लाइक हैन, गोट, फिश, प्रॉन्स एंड लॉबस्टर इज ईटन एज मीट। ये जो एनिमल्स हैं जैसे फिश है, हीन है, लॉबस्टर है, क्रैब है, इनका फ्लैश मीट की तरह यूज किया जाता है। सम पीपल डू नॉट ईट मीट एंड एग्स, कुछ लोग ईट और एग को नहीं खाते हैं। दे ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन। इनको हम, ऐसे लोगों को हम वेजिटेरियन कहते हैं, यानी कि वो लोग जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं या मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं ओनली, तो उनको हम वेजिटेरियन बोलते हैं। और जो लोग मीट, फिश, एग्स वगैरह खाते हैं और साथ में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये प्लांट प्रोडक्ट और मिल्क प्रोडक्ट भी खाते हैं, उनको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। अब है कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड। अब कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब है कि इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग फूड को यूज किया जाता है, मतलब अलग अलग फूड खाया जाता है ना। जैसे कि देखो, द फूड वी ईट डिपेंड अपॉन द रीजन वी लिव इन। फूड उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस रीजन में हम रहते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्दर्न रीजन में रहते हैं तो वहाँ पर व्हीट और राइस ज़्यादा खाए जाते हैं। अगर हम वेस्टर्न रीजन में रहते हैं, ईस्टर्न रीजन में रहते हैं तो वहाँ पर फिश, मीट वगैरह ज़्यादा खाया जाता है। कोस्टल एरिया के पास रहने वाले यानी समुद्र के आसपास रहने वाले लोग मीट ज़्यादा खाते हैं, फिश ज़्यादा खाते हैं ना। चलिए तो पढ़ते हैं। अब द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम, आवर हैबिट, कस्टम्स एंड रिलीजियस बिलीफ, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है फूड खाना। पीपल हु स्टे इन कोस्टल एरियाज ईट अ लॉट ऑफ सी फूड लाइक फिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल देयर, ना। जो कोस्टल रीजन समुद्र के आसपास रहते हैं वहाँ पर फिश और लॉबस्टर, सी फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है, वो लोग वो चीज़ें खाते हैं। पीपल इन साउथ इंडिया ईट इडली, डोसा, राइस, सांभर,
और पीपल ऑफ पंजाब ईट मक्की की रोटी दाल एंड सरसों का साग. सम पीपल डू नॉट ईट मीट एंड एग बिकॉज दे फील इट गोज अगेंस्ट देयर रिलीजन एंड कस्टम. कुछ लोग एग और मीट नहीं खाते क्योंकि उनके धर्म में और उनके रिवाज में ये नहीं चलता है, फिर उनके यहाँ ये सब नहीं चलता है, वो लोग इसको गलत मानते हैं. तो द फूड हैबिट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड डिफर अलॉट. सम पीपल लाइक टू ईट सेमी कुक्ड फूड, सम प्रेफर ब्लैंड फूड, यानी कुछ लोग जो होते हैं वो उनको ब्लैंड फूड यानी सिर्फ बॉइल्ड फूड पसंद होता है, किसको स्पाइसेस वाला पसंद होता है ना. और कुछ लोग होते हैं जो सेमी कुक्ड फूड खाते हैं. We not only eat different things, we also use the same things to make different food items. यानी कि different food item को बनाने में हम लोग सब same चीज use करते हैं, है ना. अलग अलग जगह पर अलग अलग food item पसंद किया जाता है. चलिए, okay, now the chapter is finished and your course is also finished.